देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनावों में उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे किया है। बीते कुछ दिनों से ये नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कौन है द्रौपदी मुर्मू, जिन्हें भाजपा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में आगे रखा है। 20 जून 1958 ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैतपोसी गांव के रहने वाले बिरांची नारायण टूडू के घर में जन्मी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। दंपत्ति के 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। द्रौपदी मुर्मू की अब एक बेटी है जो वर्तमान में भुवनेश्वर में रहती हैं। शुरुआत से ही द्रौपदी मुर्मू के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बेटी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने जल विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। साल 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत हासिल करके द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति में कदम रखा। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरगंज जिले की रायरंगपुर सीट से 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। द्रौपदी मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। खास बात यह है कि मुर्मू ने झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी खिताब अपने नाम किया। अगर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनती हैं तो वह ओडिशा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। मुर्मू अगर राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल करती हैं तो भारत की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी वह अपने नाम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।